The previous lecture, you have seen the concept of the Bohr magneton, and particularly, we have found the expression for the magnetic dipole moment of an electron, or you can also say of an atom. In fact, we have seen that actually the revolving electron which revolves around the nucleus just behaves like a magnetic dipole because. दैट इज इक्वीवैलेंट टू ए करेंट लूप एंड द करेंट लूप इज इक्वी भैलेंट टू अ मैगनेटिक डपोल एंड वाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट अटोमिक डायपोल वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस लेक्चर अब इनफैक्ट आप जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो मैग्नेटिक डायपोल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन के कारण हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल है आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा वह एक टॉर्क अनुभव करता है और उस टॉर्क के कारण एक्चुअली हमारा जो डायपोल है वह रोटेट करता है तो ठीक उसी तरह सोचिए अब जो आपका एटम है उस एटम को अब समझना है कि वह एक एटॉमिक डायपोल है मैग्नेटिक डायपोल और उसे अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा इनफैक्ट उस बात को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय ए वेल नोन फिजिसिस्ट लैमर एंड सो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज लैमर थियोरम इसको लैमर थियरम कहते हैं इनफैक्ट ये जो लैमर थ्योरम या इसको लैमर प्रिसेशन क्या प्रिसेशन क्या होता है इसकी बात अभी हम करेंगे इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस है एटॉमिक फिजिक्स में या कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने में क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होता है जैसा बोर्स थियोरी में आपने पढ़ा है अब अगर हमारा एटम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस समय हम उसका एनर्जी लेवल कैसे पता करेंगे इनफैक्ट इसी का आइडिया देता है लैमर प्रिसेशन और लैमर थ्योरम और इस लेक्चर में हम लोग इसी लैमर प्रिसेशन और लैमर थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उद्देश्य क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस यही है कि अगर हमारा एटम जो कि जस्ट एक मैग्नेटिक डायपोल के तरह बिहेव करता है उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन होगा और उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी प्रभावित होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वैसी स्थिति में उसका एनर्जी लेवल कैसे फाइंड आउट किया जाए कैसे डिटरमिन किया जाए दैट आइडिया ज गिवन बाय दिस वेरी इंपॉर्टेंट थियरम विच इज कॉल्ड लैमर थियरम और लैमर प्रसेशन ठीक है अब देखिए अब ये लैमर प्रिसेसन है एक्चुअली क्या तो हम लोग अभी इसको डिटेल डिस्कस करेंगे इनफेक्ट जब आप एटम को प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो हमने कहा कि चूंकि एटम हमारा बिहेव करता है मैग्नेटिक डायपोल के तरह तो वह एक्सटर्नल फील्ड के कारण टॉर्क का अनुभव करेगा और उस टॉर्क के कारण होता क्या है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन को अगर आप एक एक्सिस मान लें तो उस एक्सिस के अबाउट जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है या उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वह प्रिसेस करता है प्रिसेशनल मोशन होता है उसका और उसी प्रिसेशन को हम लोग कहते हैं लैमर प्रिसेशन जो अभी हम आपको इन डिटेल डिस्कस करेंगे आप पहले थोड़ा सा इस फिगर को देखिए यहाँ ये यह जो आप ऑर्बिट देख रहे हैं इनफैक्ट दिस इज ए सर्कुलर ऑर्बिट एलोंग विच द इलेक्ट्रन इज रिवॉल्विंग आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है और जब इस एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फिगर में आप बी देख रहे हैं जो जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ इसको प्लेस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एटम और या कहिए इलेक्ट्रन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होगा हमारा जो एटॉमिक डायपोल है वह टॉर्क अनुभव करेगा और उस टॉर्क के कारण इसका जो इलेक्ट्रन का जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल आप फिगर में देख रहे हैं वह एक्चुअली इसी बी के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करता है प्रिसेष करता है और यह एक जस्ट एक कोन एक शंकु डिस्क्राइब करेगा जैसा आप फिगर में देख रहे हैं एक शंकु दिखाया हुआ आपको उसी पर यह प्रिसेष करता है इस प्रसेशन को कहते हैं लैमर प्रसेशन और जिस फ्रीक्वेंसी से यह प्रसेशन होगा उस फ्रीक्वेंसी को लैमर फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक्चुअली लैमर प्रिसेशन और लैमर फ्रीक्वेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे एटॉमिक फिजिक्स में आप इसका हमेशा इस लैमर थ्योरम का लैमर फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन का यूज करेंगे जब आप पढ़ेंगे जी एन इफेक्ट आप देखेंगे कि जो वो सब कैलकुलेशन में इसका हमेशा यूज होता है ठीक है लेकिन पर्टिकुलर रूप से इस लैमर प्रिसेशन को डिस्कस करने के पहले हमने आपके सुविधा के लिए यहाँ उस सारे रिजल्ट को मेंशन कर दिया है जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था आप याद कीजिए हम लोगों ने एक क्वांटिटी फाइंड आउट किया था दैट वाज कॉल्ड गैरो मैग्नेटिक रेशियो गैरो मैग्नेटिक रेशियो का मतलब क्या होता है कि इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसको आप कह सकते हैं जो म्यू एल आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में दिस म्यू एल इज व्हाट दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड है और जो कैपिटल एल है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम दोनों का जो रेशियो है वह बराबर होता है ई बाई टू एम के जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्योंकि ई e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एम इलेक्ट्रॉन का मास है तो ये दोनों फिक्स्ड है इसलिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और आप इस रेशियो को कहते हैं गैरो मैग्नेटिक रेशियो ऐसा आपने पढ़ा था फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन का या हमारे एटोमिक डायपोल का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू है वह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल से कैसे रिलेटेड होता है ये आपने फाइंड आउट किया था कि म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई ओवर टू एम इन एल और ये माइनस साइन ड्यू टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और ये माइनस बताता है कि म्यू एल वेक्टर एल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट अगर आप कहते हैं कि एल का ये डायरेक्शन है जैसे आप अभी फिगर में देखिए तो म्यू एल उसका जस्ट अपोजिट होगा बोथ आर कोलिनियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन एक ही लाइन पर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है फिर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, जिसको नेचुरल यूनिट ऑफ द नेचुरल यूनिट टू मेजर द मैग्नेटिक कहते हैं दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन इसको डिफाइन किया था आपने और वह बोर मैग्नेटोन डिनोटेड होता है म्यूबी सिम्बॉल से और वह होता है ई एच बार डिवाइडेड बाई टू एम और एच बार क्या है याद है एच बार दिस इज रेड्यूस्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो एच बाय टू पाई के बदले लिखा जाता है अगर आप इस म्यूबी के टर्म में म्यू एल और एल के बीच के रिलेशन को लिखेंगे तो दिस म्यू एल इज इक्वल टू तो माइनस म्यूबी ओवर एच बार इनटू एल तो ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने यहां मेंशन किया ये सारी बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और आज जब आप लैमर थ्योरम या लेमर प्रिसेशन लैमर फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग इक्वेशन एक्चुअली यही होगा यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए ये इस सब आपके दिमाग में रहना चाहिए तो अब देखिए जैसा हमने अभी आपसे कहा कि आप मान लीजिए कि हमारा एक वन इलेक्ट्रॉन वाला एटम है और आपने उस एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस कर दिया आप इस फिगर पर ध्यान दीजिए कि ये बी है जिसको नॉर्मली हम लोग हमेशा सपोज करते हैं कि जो फील्ड अप्लाइड है वो जेड डायरेक्शन में नॉर्मली ऐसा आटोमिक फिजिक्स में मानते हैं और ऐसी स्थिति में हमने अभी आपसे कहा कि हमारा जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है एल और उसके कॉरस्पोंडिंग या उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है म्यूएल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि म्यूएल क्या है तो म्यूएल इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ एल इनफैक्ट आप आगे देखेंगे कि जब भी किसी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसलिए इसको एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं तो म्यूएल क्या है दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ एल एल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और अभी आपने देखा है कि एल और म्यूएल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है चूंकि हमारा एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो निश्चित रूप से जब कभी भी किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण हमारा जो डायपोल है वह एक टॉर्क अनुभव करता है तो ये एटॉमिक डायपोल भी टॉर्क अनुभव करेगा और उस कारण से ये जो एल वेक्टर है वह इस मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट एक एक्सिस मान लो उसके अबाउट चारों तरफ घूमेगा जिसे प्रिसेशन कहते हैं ठीक है और यह एक कोण डिस्क्राइब करता है जैसा कि आप फिगर में देखते हैं लेकिन इस प्रिसेशन के दरमियान एल भेक्टर और बी भेक्टर के बीच जो एंगल बनता है थीटा दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थीटा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है बदलेगा नहीं ऑलवेज एल और बी के बीच बनने वाला एंगल थीटा कॉन्स्टेंट रहता है और हमारा एल एक, एंगुल, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एज एन एक्सिस प्रिसेस करता है अब इनफैक्ट हमारा एम है उस प्रिशनल मोशन का फ्रीक्वेंसी पता करना और फ्रीक्वेंसी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज कॉल थ्योरम। तो फाइनल एम आपका क्या है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अराउंड किस फ्रीक्वेंसी से प्रिसेस कर रहा है हम उसे जानना चाहते अब उसको जानेंगे कैसे उसके लिए आप इस कैलकुलेशन को देखिए तो सबसे पहले जो रिजल्ट आपने लिखा है अभी कि जो म्यूएल है वह कितना के बराबर है इसको हम फिर से नोट डाउन कर देते हैं म्यूएल आप जानते हैं कि दिस इज़ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड यू हैव सीन दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ई ओवर टू एम इन टू एल आप यह सीख चुके हैं नौ दिस माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट कि म्यू एल इज जस्ट एंटी पैरल टू एल बोथ आर ऑन द सेम लाइन दोनों एक ही लाइन पर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन आपने फिगर में भी देखा था ठीक है अब चूंकि हमारे इस एटम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एटम मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है और आपने उस एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वह उस फील्ड के कारण टॉर्क का अनुभव करेगा अब टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप जस्ट प्लस टू लेवल में पढ़ते हैं जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उस फॉर्मूला को आपके दिमाग में होना चाहिए आपने उसको पढ़ा है लोअर क्लासेस में उसको आप लिख सकते हैं देख तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द एटॉमिक टाइपोल एटम जो अब डायपोल के तरह बिहेव कर रहा है उसके द्वारा अनुभव किया गया टॉर्क अगर इस टॉर्क को आप टॉ सिंबल से लिखें आपको याद है कि टॉर्क क्या होता है एक मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर जो वो अनुभव करता है एक्चुअली दैट इज सिंपली द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स टॉ इज इक्वल टू म्यू एल क्रॉस बी आपको याद होना चाहिए यह आपने पढ़ा है पहले सपोज कीजिए दिस इज योर इक्वेशन टू अब जरा आप ध्यान से देखिए कि ये जो टॉ वेक्टर है टॉर्क वेक्टर यह म्यू एल क्रॉस बी के बराबर है और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन कहता है कि अगर टॉ म्यू एल क्रॉस बी के बराबर है तो दिस टॉ विल बी परपेंडिकुलर टू म्यू एल एंड इट विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू बी दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट तो टॉ म्यू एल पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर पर लेकिन आपने अभी देखा है कि म्यू एल और एल एंटी पैरेलल है लेकिन एक ही लाइन पर अगर एल इस लाइन पर है देखो इस डायरेक्शन में तो इसी लाइन पर कौन है? म्यू एल भी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अब जरा सोचिए कि अगर आप कहते हैं कि टॉ इज परपेंडिकुलर टू म्यू एल तो मान लो कि हम सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा टॉ है और यह टॉ एल के साथ पाई बाय टू का एंगल बनाता है फिगर को देखो कि क्या यह म्यूएल के साथ भी 90 का एंगल नहीं बनाता है डेफिनेटली बनाता है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो इक्वेशन नंबर वन और टू है वह इस बात को रेफर करता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल सो फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू टॉ इज परपेंडिकुलर टू एल ऑलवेज हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगा ऐसा आप कह सकते हैं ठीक है अब देखिए अब ये जो टॉर्क है ये तो आपने जो मैग्नेटिज्म में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस आधार पर लिखा है लेकिन जनरल जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वहां टॉर्क को कहते हैं कि वह फोर्स का इक्विवेलेंट है फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है मतलब जो रोल फोर्स प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में वही रोल टॉर्क प्ले करता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन और आप जानते हैं कि फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है दिस इज डी पी बाय पी है लीनियर मोमेंटम इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स तो ठीक इसी तरह से अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ को रोटेशनल मोशन के केस में व्यक्त किया जाए तो जहां आप फोर्स बोलते हैं वहां टॉर्क बोलना होगा जहां लीनियर मोमेंटम पी बोलते हैं वहां एंगुलर मोमेंटम एल बोलना होगा So according to the Newton's second law of motion in case of rotational motion you can define this torque in terms of the in terms of the angular momentum vector L. So from second law of motion. Second law of motion. टॉर तो कितना के बराबर लिख सकते हैं यू कैन से इजीली ये जस्ट सोचिए इक्वेशन ऑफ मोशन ही है लेकिन इन केस ऑफ प्रोटेशनल मोशन और ये सब आप लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं जो मालूम होना चाहिए दिस टॉ विल बी इक्वल टू डी एल बाय डी टी टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी अब जरा ध्यान से देखिए टॉ अगर डी एल बाय डी टी है तो ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि हमारा जो टॉर्क वेक्टर है दैट इज पैरल टू दिस चेंज इन एल डीएल मतलब चेंज इन एल इसका मतलब जो टॉर्क काम करता है वह एल के में होने वाले चेंज के डायरेक्शन में होता है एल के डायरेक्शन में एल में जो चेंज आ रहा है उसके डायरेक्शन में हमेशा जो है वह टॉर्क काम करेगा सो यू कैन से दैट द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो एंगुलर मोमेंटम वैक्टर एल का जो चेंज होगा वह टॉर्क के डायरेक्शन में होगा ठीक है अब देखिए इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए हमने यहाँ माना है कि हमारा जो एल वेक्टर है उसमें एक परिवर्तन हुआ डीएल का और कितने समय में तो डी टी टाइम ऐसा हमने मान लिया और आप देख रहे हैं कि एल के सॉरी टॉर्क के डायरेक्शन में डी है और टॉर्क एल पर परपेंडिकुलर है याद करो हमने अभी दिखाया था कि जो हमारा टॉर्क है वह टॉर्क परपेंडिकुलर है किस पर एल पर यहां पर ध्यान से देखिए और टॉर्क किसके डायरेक्शन में है डी के डायरेक्शन में अभी आप देखिए टॉर्क इज पैरल टू डी एंड साथ ही साथ आपने पढ़ा है कि दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एल अभी बताया है पीछे तो एक तरफ आप कहते हैं कि टॉर्क डी एल के डायरेक्शन में है दूसरे तरफ कहते हैं कि टॉर्क एल पर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से यह जो डी एल है वह भी एल पर परपेंडिकुलर है सो so ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल में होने वाला परिवर्तन उसका चेंज दैट इज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर मोमेंटम भेक्टर अब सोचिए चेंज अगर ए, एंगुलर मोमेंटम पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदल रहा है वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वह कंटिन्यूसली चेंज करेगा और इसीलिए एल हमारा प्रिसेस करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि डी एल इज द चेंज इन द डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज इज इट क्लियर इसका मैग्नीच्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करेगा एंड एज टाइम गोज ऑन द वेक्टर एल ट्रेसेज ए कोन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका जो एल वेक्टर है वह देखिए कि वह इसी शंकु को डिस्क्राइब करता है इस कोन को डिस्क्राइब करता है जिसको आप फिगर में देख रहे हैं लेकिन इस मैनर से डिस्क्राइब करता है कि एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है या थेटा दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट वह कॉन्स्टेंट रहता है ऐसा हम मान लेते हैं अब कुछ कैलकुलेशन हम चूंकि फिगर हमारे सामने है यहीं पर हम आपको करके दिखाते हैं चूंकि आपने मान लिया है कि यह जो एंगल है थेटा है फिर ध्यान से देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में है क्या तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इस कोन का यह जो सर्कुलर बेस है उस पर भी यह परपेंडिकुलर है तो कोन के बेस पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो रेडियस आपने इसका दिखाया है इस कोन के बेस का यह तो इस प्लेन में है तो अगर सपोज करो कि ये हमारा को यही हमारा शंकु का बेस है और इसके परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर को यहाँ पर इस डॉट सिंबल से दिखा रहे हैं इस पर अगर आप कोई परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं तो कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस परपेंडिकुलर से दैट इज मैग्नेटिक फील्ड से वह 90 का ही एंगल बनाएगा इसीलिए आप यहाँ फिगर में ये जो एंगल देख रहे हैं दिस इज पाए बाय टू यद्यपि फिगर में दिखता नहीं है पाए बाय टू बट दिस इज पाई बाय टू अगर मान लो हम इस पॉइंट को ओ कह दें और इस पॉइंट को ओ प्राइम कह दें और इस पॉइंट को पी कह दें तो ओ प्राइम पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आप ध्यान से देखिए दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और इसका ओ प्राइम पर का एंगल हमने मान लिया है थिएटर ओ प्राइम पर का एंगल और जो नाइन्टी का एंगल कहाँ बन रहा है ओ पर दिस इज ओ तो इसका मतलब यह है पी अब देखो ओ प्राइम पी दिस इज इन फैक्ट एल एल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो लेंथ हो गया नहीं और जो ओ पी है ये रेडियस है इनफैक्ट इस कोन के बेस का रेडियस है इसको थोड़ी देर के लिए हम आर ही कहते हैं तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस रेडियस आर को जानना चाहते हैं तो हम साइन थीटा से काम करेंगे व्हाट विल बी दिस साइन थीटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू आर ओवर एल एंड देर फोर व्हाट विल बी आर दिस विल बी एल साइन थीटा एल साइन थेटा इसलिए हमने फिगर में डायरेक्टली लिख दिया कि जो ओ पी है दैट इज इक्वल टू एल साइन थेटा ठीक है अब मान लीजिए कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वह जो प्रिसेस कर रहा है वह डी टी टाइम में ये जो टिप पॉइंट यहां दिखा हुआ वहां से पी से मान लो या क्यू पर आ गया एंड दिस इज दिस पी क्यू इज द चेंज इन एल दैट इज डी एल अब चूंकि टाइम इंटरवल डीटी बहुत छोटा है और सपोज करते हैं कि यह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इस डी के द्वारा यहाँ सेंटर पर जो एंगल सब होगा वह होगा ओमेगा डीटी क्यों क्योंकि आपको मालूम होगा कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको डिफाइन करते हैं जिस एंगल से रोटेशन होगा और यूनिट टाइम में मतलब यूनिट टाइम में जितना एंगल से कोई चीज रोटेट करता है वही उसका वेलोसिटी होता है तो अगर मान लें कि यह एंगल फाइ है तो ओमेगा होगा फाई डिवाइडेड बाय डीटी डीटी टाइम में हुआ है इसका मतलब फाई क्या होगा ओमेगा डीटी इसलिए ये जो एंगल यहाँ आप देख रहे हैं जो डीएल के द्वारा सब होगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इन डी ये डी जो शॉर्ट इंटरवल है उतने समय में बनाया हुआ एंगल है वहां पर ठीक है तो आप कह सकते हैं कि इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी न्यूमेरिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन या आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन भी कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन देन एल दिस देर इज सम्रॉब्लम दिस एल वेक्टर ध्यान से देखिए दिस एल वेक्टर विल प्रिसेस को इरेज कर दें दिस एल एल प्रिसेस प्रिसेस थ्रू एन एंगल कितना अभी आपको निकाल के बताया कि ये एंगल होगा ओमेगा डी टी इन टाइम डी टी डी टी, टी टाइम में इतना एंगल सही है प्रिसेष करेगा तो ऐसी स्थिति में आप जरा सोचिए इन टाइम डी टी ये इतना प्रिशेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में आप अगर इस एंगल को फाइंड आउट करें ध्यान से देखिए हम यहाँ पर एक अलग फिगर बना लेते हैं मान लो कि यही तुम्हारा एंगल है दिस इज़ दिस एंगल इज़ ओमेगा इन टू और ये जो रेडियस है यह है एल साइन थीटा आप देख चुके हैं और ये जो आर्क है दिस इज़ डी ध्यान से देखो तो रेडियस एल साइन थीटा एंगल बन रहा है ओमेगा डीटी और आर्क का लंबाई है डी और आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इट मीन्स एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस तो देरफोर इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ओमेगा डीटी जो एंगल है वह बराबर होगा आर्क का लेंथ आर्क का लेंथ क्या है डी एल और डिवाइडेड बाय रेडियस रेडियस कितना है एल साइन थेटा दिस इज एल साइन थेटा ठीक है अब इससे आप ओमेगा को फाइंड आउट करिए जिसे आपने कहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसन आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन भी कह सकते हैं क्या होगा यार ध्यान से देखो दिस विल बी डी एल बाय डी टी थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं इंटू वन ओवर एल साइन थेटा लेकिन ये डी एल बाई डी टी क्या है भाई डी एल बाई डी टी आपने अभी देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था कि टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी टॉर्क का मैग्नीट्यूड है या इसलिए हम लोग डी एल बाय डी टी के जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क भी लिख सकते हैं तो आप लिखिए उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क सो दिस इंप्लाइज़ ओमेगा इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी को टॉ लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय एल साइन थेटा डिवाइडेड बाय एल साइन थेटा लेकिन टॉर्क का वैल्यू आपने पहले भी डिफाइन किया है आप याद करिए या फिर से पेज उलट करके आप देखिए हमने इस इक्वेशन टू में टॉर्क को डिफाइन किया था जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल एक्सपीरियंस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टॉ बराबर है म्यू एल क्रॉस बी और हमको अब चाहिए इस टॉ का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं तो नाव टॉर्क वेक्टर दिस इज इक्वल टू म्यू एल क्रॉस बी एंड क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से आप इसका मैग्निट्यूड फाइंड आउट करिए दिस विल बी म्यू एल इन टू बी इंटू साइन थेटा इसलिए कि म्यू एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच आप देखिए कि थेटा एंगल बन रहा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से इसका मैग्नीट्यूड इतना के बराबर लिखेंगे एंड सो so, जब आप ओमेगा अब डिफाइन करेंगे ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को कंबाइन करो इस रिजल्ट के साथ ओमेगा दिस इज टॉ को क्या लिख देना है म्यू एल इन टू बी इन टू साइन थेटा एंड डिवाइडेड बाय एल साइन थेटा

एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल है उसका क्या है प्रोपोर्शनल बी का प्रोपोर्शनल है यह दिस इज योर इक्वेशन थ्री ठीक है तो हम कह सकते हैं कि देयर फोर पहले उसके पहले याद देखिए म्यू एल बाय एल आप बताइए यह क्या है अभी आपने तुरंत पहले भी पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में अब भी पढ़ रहे हैं दिस इज इनफैक्ट गैरो मैग्नेटिक रेशियो तो म्यू एल अब बाय एल तुम जानते हो कि दिस इज ई बाय टू एम ई बाय टू एम इसलिए इक्वेशन थ्री को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं म्यू एल बाय एल को ई बाय टू एम से रिप्लेस कर देंगे तो देरफोर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है प्रिसेशन का ओमेगा वह कितना के बराबर होगा तो ई डिवाइडेड बाय टू एम इंटू बी ई बाई टू एम इन टू बी एंड इन फैक्ट दिस इज द रिजल्ट विच डिफाइन्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल लैमर फ्रीक्वेंसी ऐसे आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं और यही रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि दिस एंगुलर फ्रीकवेंसी ऑफ प्रिसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी जितना ही स्ट्रांगर फील्ड आप अप्लाई करेंगे प्रिसेशन उतना ही फास्टली होगा उतना ही रैपिडली होगा उतना रैपिडली हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अब प्रिसेस करेगा ठीक है अब इन टर्म्स ऑफ रेगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं सो इफ न्यू इक्वल टू लैमर फ्रीक्वेंसी लैमर फ्रीक्वेंसी देन ये आप इसको ये भी ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है बट दिस इज एंगर फ्रिक्वेंसी और इसको आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए देन न्यू आपको मालूम होगा कि दिस इज ओमेगा ओवर टू पाए ओमेगा ओवर टू पाए एंड ओमेगा इक्वेशन ए वन में डिफाइंड है उसको केवल टू पाए से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी वट केवल टू पाई से आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है तो आप ध्यान से देखिए दिस विल बी इनफैक्ट ई डिवाइडेड बाय फोर पाई एम फोर पाई एम इन टू बी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लैमर फ्रीक्वेंसी विच इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड इट विल बी यूज वेरियस टाइम्स इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स यू विल सी तो आप पे इसको कहते हैं इस न्यू को लेमर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये जो रिजल्ट है एक्चुअली दिस रिजल्ट इज नोन एज लैमर थियरम इसको क्या बोलते हैं इसको लैमर थियरम कहते हैं और जैसा हमने पहले कहा कि इस लैमर थ्योरम का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है इन द एटॉमिक फिजिक्स और इन डीलिंग विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज वेन एवर यू वांट टू फाइंड द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यू मस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड सो दिस लैमर प्रिसेसन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल कॉन्टेक्ट To deal with the atomic structure in presence of magnetic field.